हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू इंग्लिश मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक। प्लीज़ टेक आउट योर पेज नंबर 76। अ विजिट टू माय विलेज। हम जब विलेज में घूमने जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं हमें और हमको फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसको चुनकर लिखना है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स भी दिए गए हैं, वही पिक्चर्स के नाम हमें यहाँ पर इसमें से देखकर मतलब पूरा करना है हमको यहाँ पर। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। इन जून वी वेंट टू विलेज। ओके, वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स। She has a farm. On her farm, there are many animals. There are two horses. यहाँ देखिए horses का picture है ना, इसलिए हमें two horses लिखना है। यहाँ पे देखिए cat. A cat with its, यहाँ पे दो है ना बच्चे हैं cat के, यहाँ पे इसलिए क्या लिखना है, kittens. Three, यहाँ पे देखिए three dogs हैं, ठीक है, three dogs. वन हैंड एज वेल एज कॉक, यहाँ पे देखिए कॉक का पिक्चर इसलिए कॉक। एंड अ काउ एवरी मॉर्निंग सी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे। हे मतलब ये घास, जो सूखे हुए घास होते हैं ना जो गाय खाती हैं वो। और मिल्क, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, यहाँ पे देखिए तालाब, पॉन्ड ऑन द फॉर्म। ओके, ऐसे आपको ये पेज कंप्लीट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फील इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए पिक्चर देखना है, फिर हमको ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन है, दिस इज अ बी, दिस इज अ बी, इट हैज, यहाँ पे देखिए देखिए दिस इज़ अ बी, इट हैज़ लाइन्स, इसके देखिए पंख में देखिए लाइन्स है ना, तो देखिए इट हैज़ लाइन्स ऑन इट विंग्स, इट हैज़ टू एंटीना, देखिए यहाँ पे जो टू एंटीनास है, टू एंटीनास, इट बर्स राउंड द फ्लावर्स, देखिए फ्लावर की इधर उधर घूमती है ना राउंड में, इट बर्स एंड केम टू द जू। ओके, देखिए ये बर्स मतलब कैसे, जो बी होती है वो आवाज़ कैसे करती, बर्स वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे क्या है, ये बी है। हेल्प द बी टू रिच इट होम, वॉट आर थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट रैम विथ बी। यहाँ पे देखिए ये बी है, इसको अपने होम में जाना है, ठीक है, तो हम कैसे रास्ता हमें बनाना है, देखिए यहाँ से ऐसे जाएगी भी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ अपने होम में आ जाएगी। ओके, आपको भी ऐसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78। लुक एट द पिक्चर एंड फील इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए पिक्चर हमें देखना है, फिर यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट करना है। ओके, ये कौन है, लायन, LION लायन, देखिए ये टाइगर, TIGER टाइगर, फिर यहाँ पे देखिए वुल्फ, WOLF वुल्फ है ना, फिर यहाँ पे देखिए डियर, DEER डियर, फिर यहाँ पे देखिए जैकल, JACKAL जैकल, यहाँ देखिए आउल, OWL आउल, यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे देखिए कौन है, मंकी, MONKEY मंकी, फिर यहाँ पे देखिए बियर की पिक्चर है, देखिए BEAR बियर, फिर यहाँ पे चिंपैंजी लिखना है हमको, CHIM
PANGEE चिंपैंजी, फिर यहाँ जिराफ GIRAFFE जिराफ। ओके, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको हमें कंप्लीट करना है। लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक। देखिए इसमें यहाँ पे लायन कैसे साउंड करता है, रोअर, फिर हॉर्स कैसे साउंड करता है, नी, फिर डक कैसे साउंड करता है, क्वैक, फिर गॉड कैसे साउंड करता है, ब्लिट, फिर पिक कैसे साउंड करता है, ग्रंट, फिर डॉग कैसे साउंड करता है, बाघ, फिर काउ कैसे साउंड करता है, मू, स्पैरो कैसे साउंड करता है, चीर, फिर मंकी कैसे साउंड करता है, चैटर, स्नैक कैसे साउंड करता है, हिश। जॉइन द डॉट, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे पहले डॉट्स जो दिए हैं उसको हमें ट्रेस करना है, फिर यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ये किसकी पिक्चर लग रही है आपको, ये डायनासोर है ना, तो देखिए यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। डी ओ दिया है, यहाँ पे यू दिया है, हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो स्पेलिंग क्या होगी, डी आई एन ओ एस ए यू आर। ओके, डायनासोर। नेक्स्ट पेज, लेट्स प्रैक्टिस। ये हमें प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पे हमें कर्सिव राइटिंग लिखना है, ओ डब्ल्यू एन ओन। यहाँ पे हमें डॉट्स दिए हैं इसको ट्रेस करना है, ओ डब्ल्यू एन ओन, फिर सी ओ एम ई कॉम, फिर एच ओ यू एस सी हाउस, फिर एल सी एल ओ यू डी क्लाउड, फिर एल यू सी के वाई लकी, एफ यू एन डबल एन वाई फनी, एफ यू डबल एन वाई फनी। ये कर्सिव राइटिंग आपको होमवर्क के कंप्लीट करना है। इसको 79 पेज नंबर 78, पेज नंबर 77 और पेज नंबर 76, ये 4 पेजेस आपको कंप्लीट करने हैं, आपका होमवर्क है आज का। ओके, थैंक यू।